नमस्ते साथियों, महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता के जो रिक्त पद हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है, तो उसके संबंध में ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले परियोजना कार्यालय का नाम और ये जो एड्रेस वगैरह देख लीजिए आप, कौन कौन सी जगह पे है। दातारामगढ़ 1 नंबर दातारामगढ़ के अंदर है। दातारामगढ़ में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन ग्रह है, ये कौन कौन से हैं? दातारामगढ़ के अंदर एक तो जो खाटू क्षेत्र है नगर पालिका, खाटू नगर पालिका, अनुसूचित जाति की यहाँ पर वैकेंसी है, और सहायिका है यहाँ पे दाता में 3 है, अनुसूचित जाति लोसल में 15 और चिड़ासरा में 1, बन्ना थाला में है। धोद जो क्षेत्र है, धोद क्षेत्र में पालवास में 2 और धोद पालवास में 2 है और धोद में 2। ये तो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, और सहायिका है वो श्यामपुरा में 1, हमीरपुरा में 1, चुड़ोली में 1। फतेहपुर जो क्षेत्र है वहां पर हरवासा में रामसीसर बी वार्ड नंबर 11, फतेहपुर शहर, गोड़िया बड़ा और तिहावली सी, इन जगहों पे सहायिका है, और हरवासा 1 के अंदर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता वगैरह है। खंडेला जो क्षेत्र है खंडेला, उसमें फतेहपुरा में एक है, और रलावता में 1, चौकड़ी में 4, बादवाड़ी कावट में 4, बरसिंहपुरा में 2 और बरकाड़ा हरदास का बास 1 है। लक्ष्मणगढ़ जो क्षेत्र है उसमें बगड़ी में 2, बलारा, बैरूपुरा, ये इन जगहों पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहायिका है खातीपुरा लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत। नीमका थाना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत डाबला में अनुसूचित जाति जनजाति की पोस्ट है, बुदेली एफ में भी अनुसूचित जाति जनजाति की, पाटन ए, महवा, नामापाली और सिरोही सी के अंतर्गत वैकेंसी है। उसी तरह जो नीमका थाना में सहायिका की जो वैकेंसी है, हैसामपुर ए में है, बगेगा में आरएस में है, और जुगलपुरा पुराना बास बी गुहाला जी के अंतर्गत है। पिपराली जो पंचायत समिति है, पिपराली पंचायत समिति के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता है, यह है रामचंद्र वाली जोड़ी तारपुरा, इसके अंतर्गत है, इसका कोड 145 है। और जो पिपराली पंचायत समिति में सहायिका की जो वैकेंसीज हैं वो मलखेड़ा में है, बगड़ियों का बास में है, ईसरों का बास शिशु में है और चारण का बास के अंतर्गत है। सीकर शहर के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 और नया वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 43 2, नया वार्ड नंबर जिसको 60 है, और सहायिका की वैकेंसी वार्ड नंबर 1 में है और वार्ड नंबर 6 में, नया वार्ड नंबर 15 में। श्रीमाधोपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय अचीतगढ़ में है, करौली जोड़ा में है, कोटड़ी दायलान जिसे बोलते हैं, और आसपुरा के अंतर्गत वैकेंसी है, पृथ्वीपुरा के अंतर्गत भी वैकेंसी है। अब इनके लिए जो योग्यता है वो क्या रखी गई है, सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि आप जिस क्षेत्र से, जिस भी क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके आप स्थायी निवासी हों। ये 1 नंबर जो दिया हुआ है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जिस आंगनवाड़ी क्षेत्र केंद्र के लिए चयन हो रहा है महिला, उस राजस्व ग्राम वार्ड की स्थानीय निवासी या निवासी एवं विवाहिता होनी आवश्यक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह है कार्यकर्ता तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम 12वीं पास, कम से कम आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह सहायिका की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होगी, एवं विशेष योग्य जनों के लिए जो उम्र की सीमा है 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म संबंधित परियोजना के बाल विकास विभाग अधिकारी
कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं आप। आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए पुनः मानदेय सेवा के लिए आवेदन कर रहा है तो ऊपरी आयु सीमा में कोई बाध्यता नहीं है। विधवा होने की स्थिति में विधवा से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा में तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अंदर एक और योग्यता है कि आवेदक विवाहित होना आवश्यक है, अविवाहित इसमें आवेदन नहीं कर सकते। किसी भी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान फर्जी जाली कूटरचित हो तो ऐसी आवेदक को आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में भी मानदेय कर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा। योग्य अभ्यर्थी पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत ईमेल अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 30 दिवस अथवा दिनांक 27/7/2023 तक साय 5 बजे तक जमा कराया जा सकता है। 27 तारीख आवेदन करने की लास्ट तारीख है, आप 27 तारीख तक इसमें आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ विभागीय परिपत्र क्रमांक 42/44 दिनांक 12/1/2023 में वर्णित दस्तावेज जो है अधिकतम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र अंक तालिका, बीएड की अंक तालिका प्रमाण पत्र यदि आपने बीएड कर रखी हो तो, और सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अथवा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो दस्तावेज आपको जमा करवाने हैं। ये जो दस्तावेज पॉइंट नंबर 3 में है इनमें से कोई भी दो दस्तावेज आपको जमा करवाने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आप उसका जो प्रमाण पत्र है वो जमा करवाएं। NFS में सम्मिलित अंत्योदय इत्यादि अन्य दस्तावेज जो भी हों उसकी सुप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न आप करें। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना आवश्यक है, उसका नियमित रूप से उपयोग किया जाना भी है। जिन केंद्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग की है तो उन केंद्रों हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी है वो विभाग की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है इस पे मिल जाएगी आपको। जो फॉर्म है अपना जो को अपना बाल विकास कार्यालय है, मिनी कार्यालय है, वहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत से ले सकते हैं, पंचायत समिति से ले सकते हैं या फिर जिला कार्यालय से आप ले सकते हैं। तो मैंने जिन जगहों पे वैकेंसीज खाली बताई हैं उनमें योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।